हरे कृष्णा। भगवत गीता की ऑडियो नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद देव जी की जय। इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे तामसी दान के बारे में। सुनते ही ऐसा महसूस होता है कि क्या दान भी कभी तामसी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमने किसी को पैसा दिया है और वो जिसको दिया पैसा हमने दान में सड़क पर, जैसे हम कई बार दे देते हैं, और उस व्यक्ति ने उस पैसे से शराब पी या कोई नशा किया, तो वो तामसी दान है और उसका थोड़ा बहुत बुरा फल भी आपको मिल सकता है। वैसे ये कहा जाता है, ये कहा गया है शास्त्रों में कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस प्रकार भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। लेकिन फिर भी हमें इस तरह के दान को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, मतलब कि इस तरह से रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि इस तरह का दान किया जाए और बिल्कुल बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी पैसे दे दिए जाएं और वो उसका क्या इस्तेमाल करे, तो उसकी इम्प्लीकेशन है। तो शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए सीनियर डिवोटीज के साथ कोई भी कार्य करने से पहले, ये बेहतर होगा, है ना। चलिए इस बारे में भगवद गीता का श्लोक नंबर 17 का 22वां है, 17.22। मैं सबसे पहले श्लोक पढ़ रहा हूं। अदेश काले यत्तानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदायतम। श्री भगवान ने कहा, जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाएगा, अनुचित समय में दिया जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाएगा या बिना समुचित ध्यान और आदर से दिया जाएगा, वो तामसी कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अपवित्र स्थान में, अब नेचुरली आप ही मान के चलिए कि जो ये सड़कों पे हम दान दे देते हैं कैजुअली, तो वो कोई पवित्र जगह तो नहीं है। अनुचित समय, दिन में रात में कभी भी दे देते हैं, है ना। अयोग्य व्यक्ति तो है ही, ये लोग अयोग्य व्यक्ति तो है ही, बिल्कुल किसी भी डेफिनेशन से वो योग्य नहीं है। योग्य व्यक्ति तो किसी सदाचारी मनुष्य को ही माना जाएगा जो उस पैसे का सही इस्तेमाल करे, समाज की सेवा करे, जरूरतमंद की सेवा करे। ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जाए मेडिकल रीजंस के लिए, एजुकेशन की प्रमोशन के लिए, इवन रिलीजन की प्रमोशन के लिए, तब वो योग्य व्यक्ति है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ इसमें एक और बात आई जो ध्यान देने वाली है कि बिना समुचित ध्यान और आदर के जब दिया जाए, यानी कि जैसे हमने सात्विक दान में ये डिस्कस किया था कि आप योग्य व्यक्ति को दान दें। अब सपोज कोई संस्था है जो अच्छा काम कर रही है, वो आपके पास दान मांगने आई और आपने निरादर करके उसको दान दे दिया कि आप आ जाते हो बार बार, हमने पहले भी दिया था, या हमारा तो हम तो और संस्थाओं में दान करते रहते हैं, हमारी खुद की भी इतनी संस्थाएं चल रही हैं, दान दिया भी लेकिन निरादर करके दिया, तो वो क्या हो गया, तामसी में चला गया, क्योंकि आपने ध्यान और आदर के साथ नहीं दिया दान। जितना भी दान दें, कम दें ज्यादा दें, ये नहीं लिखा हुआ कि ज्यादा दें, लिखा ये है कि जितना भी दान दें वो समुचित आदर और ध्यान के साथ दें, नहीं तो वो तामसी कैटेगरी में चला जाता है। तो वन हैज टू बी केयरफुल। ये बात मैंने पहले भी कही कि तामस दान में भी त्याग तो है, चाहे कोई चाहे कोई तामसी दान भी कर रहा है, लेकिन त्याग तो है ना, पैसा तो दे रहा है या किसी भी चीज का दान कर रहा है, तो इसलिए उसकी अधोगति तो नहीं होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो नरकों का भागी बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसको कुछ नेगेटिव रिएक्शंस भी झेलने पड़ सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर हमने दान दिया और उसने उस पैसे से कोई नशा किया, तो उसका भी हिस्सा आपके पास आएगा। नेचुरली जब आप एक योग्य व्यक्ति को दान देते हो और वो अच्छे काम में लगाता है, तो आप यही सोचते हो ना, दान जिसको दिया उसने यूज नहीं किया, उसने आगे अच्छे काम किए, तो आप उस अभिलाषा के साथ कि ये मेरे पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेगा, किसी संस्था के मैनेजर को, है ना, प्रीचर को डोनेट करते हो और ये उम्मीद करते हो, या ये बात है भी कि वो अच्छे काम में लगाएगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान दिया जिसने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो उसका भी तो फल आएगा। सो वन हैज टू बी केयरफुल, ऑल आई एम सेइंग। यहां पर एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे पढ़ने में और समझने में मिली, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, कि चार चीजें हैं, अन्न, जल, वस्त्र और दवाइयां, औषधियां। ये चार चीजों का दान आप पात्र कुपात्र या
समुचित काल अनुचित काल कभी भी कर सकते हैं, इनमें इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र का दान और औषधि का दान, ये चार चीजें आप कभी भी किसी को किसी भी समय दे सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको ये मन में आए भाव कि प्रभु जी हम तो जाते हैं सड़क पर और भिखारी अब हमसे पैसा मांग रहा है तो हम कैसे ना दें या क्या करें, देखिए क्या करें का इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि जैसे इसमें अन्न की बात आई है ना, अगर आप वस्त्र उनको दे सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप प्रसादम, कृष्ण प्रसादम कुछ अपने पास रखें थोड़ा और वो उनको दे दें। एक बार एक क्लास में इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो हैं वो प्रसाद लेते नहीं है, मना कर देते हैं, बोलते नहीं हमें सिर्फ पैसा चाहिए। देखिए इसका तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसने माना पैसा मांगा, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप राधर उसको कृष्ण प्रसाद दे रहे हैं और वो नहीं ले रहा है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें तो फिर आप उसको मना कर दीजिए कि ठीक है भैया आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, है ना। अब आप जबरदस्ती वो आदमी पैसा ही मांग रहा है, फिर उस पैसे का वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा और उसका आपके ऊपर भी इम्प्लीकेशंस आ सकता है, तो मैं तो यही कहूंगा अवॉइड कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अवॉइड भी नहीं कर सकते तो मैं यही कहूंगा कि भाई कम से कम दे दीजिए जहां तक हो सके, 1 रुपया 2 रुपया दे के उसको फिर टरकाइए अगर आप बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो बेटर रहेगा कि ऐसे सिचुएशन में आप दान ना ही दें, आप जो गीता के अनुसार है ना वो एक समुचित काल में योग्य व्यक्ति को ही दान दें, उसी से ही आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। और इस तरह के जो लोग हैं जो निम्न श्रेणी के हैं या अनुचित मतलब यू कैन से कि वो प्रॉपर अयोग्य व्यक्ति हैं, उनको आप अन्न का दान दें, जल का दान दें, है ना, वस्त्र का दान दें, उसमें कोई समस्या नहीं। शास्त्र खुद कह रहे हैं कि इसमें पात्र सुपात्र कुपात्र देखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें हम जो है वो दान कर सकते हैं। और हमेशा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस ऑडियो में भी जरूर करूँगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जरूर करें, रोज करें, ये हमें हमारे जीवन के मानव जीवन के लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। हरे कृष्ण, आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।